जय हिंद। युवराज की पाठशाला में आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे इस वीडियो में मन को हंसाने वाली मज़ेदार पहेलियाँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, साथ में इन पहेलियों का सही आंसर देने की कोशिश करें। तो चलिए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफ़र पर। तो आइए आज का इस मज़ेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आज की पहली पहली है, इक्स का समंदर भी क्या समंदर है, जो डूब गया वो आशिक, जो बच गया वो दीवाना, जो तैरता ही रह गया वो कौन है। आंसर होगा बेचारे पति। नेक्स्ट पहली है, शादी बिजली की तारों की तरह होती है, बताइए कैसे। आंसर होगा सही जुड़ जाए तो रोशनी, नहीं तो सारी जिंदगी झटके ही झटके। नेक्स्ट पहली है, अगर कोई आपके मैसेज का रिप्लाई ना करे तो हमें क्या करना चाहिए। आंसर होगा बस उसको एक गाली लिखकर सेंड कर दो, फिर देखो। नेक्स्ट पहली है, जीवन में हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहना चाहिए, बताइए क्यों। क्योंकि क्या पता कल सामने के दो दांत हो ना हो। अगली पहली है, डिजिटल शंका किसे कहते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आंसर होगा ये जो तुम एटीएम के पैसे निकालकर 10 बार क्लियर का बटन दबाते हो, इसे ही डिजिटल शंका कहते हैं। नेक्स्ट पहली है, देश का युवा जाग चुका है, अब ये क्या करेंगे। आंसर होगा अब ये उठेगा, ब्रश करेगा और 1.5 GB खत्म करेगा। नेक्स्ट पहली है, कुछ लोगों को देखकर गाली खुद क्या कहती है। आंसर होगा क्या मैं बाहर आऊं। नेक्स्ट पहली है, आप कैसे सिद्ध करोगे कि साग पात खाने वाले की निगाहें तेज होती है। इसका आंसर होगा आज तक किसी ने बकरे या घोड़े को चश्मा लगाते देखा है क्या। अगली पहली है, जिस आदमी के दोनों हाथ ना हो उसे हिंदी और इंग्लिश में क्या कहेंगे। इसका सही आंसर होगा हिंदी में ठाकुर और इंग्लिश में हैंड्स फ्री। नेक्स्ट पहली है, कविता और निबंध में क्या अंतर है। आंसर होगा प्रेमिका के मुंह से निकला एक शब्द भी कविता होता है और पत्नी का एक ही शब्द निबंध के समान होता है। नेक्स्ट पहली है, सबसे ज्यादा नशा किस चीज में होता है। आंसर होगा किताबों में, किताब खोलते ही नींद जो आ जाती है। नेक्स्ट पहली है, एक तरफ पैसा दूसरी तरफ अक्ल, क्या चुनोगे। इसका आंसर होगा
जिसके पास जिस चीज की कमी होती है वो वही चुनता है। नेक्स्ट पहली है, अगर तुम्हारे पास 15 सेब हो जिनमें से 6 तुम निर्मला को दे दो, 4 सुनीता को दे दो और 5 डोली को दे दो, तो तुम्हें क्या मिलेगा? आंसर होगा, मुझे 3 नई गर्लफ्रेंड मिलेगी। अगली पहेली है, देश के सबसे ईमानदार पुलिस वाले कहाँ पर पाए जाते हैं? आंसर होगा, सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल में। नेक्स्ट पहेली है, किसी ऐसी जगह का नाम बताओ जहाँ पर बहुत सारे लोग हो फिर भी तुम अकेला महसूस करो। आंसर है, परीक्षा कक्ष, एग्जामिनेशन हॉल। नेक्स्ट पहेली है, बच्चों के लिए माँ का दूध दूसरे दूध की अपेक्षा ज़्यादा उपयुक्त क्यों माना जाता है? आंसर होगा, क्योंकि वो हमेशा ताज़ा रहता है, चुराया भी नहीं जा सकता और नहीं उसे बिल्ली पी सकती है। नेक्स्ट पहेली है, आयात और निर्यात का एक अच्छा सा उदाहरण बताओ। आंसर होगा, सोनिया गांधी और सानिया मिर्जा। नेक्स्ट पहेली है, चींटियों के कौन कौन से लाभ है बताओ। चींटियां हमें बताती है कि घर में मिठाई कहाँ छिपा रखी है। नेक्स्ट पहेली है, दिन में तारे किस समय दिखाई देते हैं? वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जब तमाचे पड़ते हैं। नेक्स्ट पहेली है, हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो हमारी पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है? आंसर होगा, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट पहेली है, एक हाथी ने एक मच्छर से शादी कर ली, दूसरे दिन सुबह तक मच्छर मर चुका था, बताइए क्यों? आंसर होगा, क्योंकि रात में डिस्टर्ब से बचने के लिए हाथी ने मच्छर छाप अगरबत्ती सुलगा दी थी। नेक्स्ट पहेली है, एक मक्खी की शादी मच्छर से हो गई, अगले दिन मक्खी बहुत रोई, बताओ क्यों? आंसर होगा, कल रात गुड नाइट ऑन कर दिया, तेरे जीजा भगवान को प्यारे हो गए।